आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 63 60 57 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या है हमारा, एस एम इज इक्वल टू एन बाय टू, नेक्स्ट आपका क्या है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसने दे दिया है देयर सम इज 693, सम इज 693, दैट इज इक्वल टू एन, वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स एन वी हैव टू फाइंड आउट, तो एन बाय टू, नेक्स्ट टू, वॉट इज ए, ए इज द फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 63 इंटू 63 प्लस नेक्स्ट एन माइनस वन, एंड वॉट इज डी, डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है 60 माइनस फर्स्ट टर्म इज 63, दैट इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, उससे पहले क्या करना है आपको, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इट्स इजी, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 कैरी 12 प्लस 1 इज 30, दैट इज इक्वल टू n, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका कितना है 2 इंटू 63 इज 126। ठीक है, माइनस 3, और ब्रैकेट में n माइनस 1 को हम वैसे ही रखते हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो 1386 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम, n वैसे के वैसे बाहर रहेगा, 126 माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3n प्लस 3, दैट इज इक्वल टू n, 126 प्लस 3 इज 129 माइनस 3n, दैट इज इक्वल टू, अब n के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 129n माइनस 3n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1386। ठीक है, अब सबको एक साइड में लेकर आ जाते हैं, यहां पर माइनस है तो वी विल टेक इट फ्रॉम राइट, इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3 n स्क्वायर माइनस 129 n प्लस 1386 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 2 इज 12, यानी ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, इसको चेक कर लेते हैं हम, 1 प्लस 8 इज 9, 3 प्लस 6 इज 9, तो ये सब 3 से जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, वी विल डिवाइड इट बाय 3, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 43n प्लस 4 6 एंड 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको 462 के फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि आपका 43 बनना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं 462 के, 462 2 2 3 1, नेक्स्ट 3 आपका 7 एंड 7, नेक्स्ट 7 एंड 11, आपके फैक्टर्स आ गए 2 3 7 एंड 11, इसको आपको इस तरह से अरेंज करना है कि आपका आंसर आना चाहिए माइनस 43। तो जस्ट हम चेक करते हैं कि कैसे आएगा, 11 इंटू 2 इज 22,
ये दोनों, और 3 × 7 इज 21। आगे दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट इज 43। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये दोनों में से n कॉमन लेना है हमको, n कॉमन ले लिया हमने तो हमारा आ गया n माइनस 22, और यहां पर हमने माइनस 21 को कॉमन ले लिया माइनस 21, तो क्या बच गया n माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारा, दो फैक्टर्स आए n माइनस 22 और n माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया n माइनस 22 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ गया n इज इक्वल टू 22 और इधर आ गया n इज इक्वल टू 21। ठीक है, यानी आपके दो टर्म्स आए जिसमें, अब हमारे दो आंसर हैं n इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 21। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों का 22nd टर्म्स तक का सम भी सेम हो 21 के सम। तो हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, a22 दैट इज इक्वल टू a22 कितना होता है देखते हैं। तो a हमारा कितना है, हमने फाइंड आउट किया था वेर इज a इज 63 प्लस 21 प्लस 21 22 का 21 इंटू डी इज माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 63 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 22nd टर्म इज 0, 22nd टर्म इज 0। अगर आपने a22 की जगह a21 ले लिया तो कोई बात नहीं, 21 लेते हैं हम तो हमारा आएगा 63 प्लस 20 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 63 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। तो 21st टर्म इज माइनस 3 एंड 22nd टर्म इज 0। तो देयरफॉर क्या होगा, अगर सम आपका 22 तक भी है तो 22nd टर्म इज 0 तो भी आपका सेम आएगा। ठीक है, उसीलिए ये दोनों आंसर्स आपके करेक्ट हैं, n इज इक्वल टू 22 एंड n इज इक्वल टू 21 आपको वेरीफाई करके बताना है। ठीक है।